Hello. Hello. All right. So basically, I have some students here wanting to know how to implement a calculator or any state machine based on using ROM. So the basic part of ROM is to do the state machine, run the state machine. So what you have is you have to draw a state machine. This is your 00 state. So this is basically the address that goes to the state machine. And this is the output of the so this is the reset, and this is the output of the state machine, where it will go into the next state. So what you have is, this is your ROM. So this is a clock, this is your circuit, basically. This is ROM. I'm sorry. And this is your flip-flops. यानी कोई रजिस्टर लगा लें आप जो भी है यहाँ पे रजिस्टर के अंदर 8 डी फ्लिप फ्लॉप होते हैं तो इसकी एक थोड़ी आउटपुट जो होती है वो जाएगी इसको एज एन एड्रेस एक रजिस्टर की चार वो आउटपुट इसको जाएंगी एज एन एड्रेस और ये 8 बिट की ये भी है तो अगर आपको 5 चाहिए तो आप 5 भी लगा सकते हैं अगर आपको बड़ी स्टेट मशीन बनानी है फिर 32 स्टेट्स तो आप 5 लगा लें ठीक है तो अगर 4 चाहिए तो ये अब इसकी जो 4 आउटपुट्स होंगी ना रोम की वो यहाँ पे जाएंगी मतलब इस लोकेशन हर रोम की इस लोकेशन पे आपने स्टोर किया होगा कि ये तो इसकी दूसरी आउटपुट्स है ना जो आपको किसी और सर्किट में जा रही होंगी कुछ आपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं जो भी है ये जो आउटपुट्स होंगी ये खुद ही रोम ही अपने आप को बताएगी कि अब मैंने किस स्टेट में जाना है बजाय इसकी कि आप स्टेट डायग्राम और स्टेट फंक्शन इम्प्लीमेंट करें ये रोम ही अपने आप को मतलब 00 स्टेट है Right, if you are in the 00 state, you have this 00 state, you may be having a start LED on. And a start button. अब स्टार्ट बटन इसकी इनपुट होगी अगर तो स्टार्ट बटन प्रेस किया किसी ने तो इसमें क्लॉक आएगी वो आप उसमें कोई हैश रख सकते हैं कुछ भी रख सकते हैं कि पहले इसको प्रेस करो तो क्लॉक आ जाए अब ये जाएगा इस स्टेट में 0001 स्टेट में चला जाए यहाँ पे उसने अब फर्स्ट डिजिट प्रेस करना तो इसका मतलब कि जब 00 स्टेट पे होगा तो हमेशा स्टार्ट बटन की वजह से आप इधर ही आएंगे तो ये आउटपुट 00 पे आपने जो नेक्स्ट एड्रेस स्टोर करना है ना स्टेट मशीन का वो 001 स्टोर करना है ताकि जब क्लॉक आए तो ये इस स्टेट पे चला जाए तो यहाँ पे अब आपने तो यूजर ने पहला बटन प्रेस किया उसमें आपने क्या किया क्लॉक रजिस्टर्स
ए वाली आउटपुट वन होगी इसकी क्लॉक रजिस्टर वाली आउटपुट। बेसिकली आपने ये इसके लिए कर रहे हैं आप, ये तो एक एग्जांपल है, पर सपोज यू आर डूइंग दिस फॉर कैलकुलेटर। ठीक है, तो आपके पास ये एक रजिस्टर लगा हुआ है ए, ये एक रजिस्टर लगा होगा यहाँ पे बी, यहाँ पे आएगी क्लॉक रजिस्टर ए, ये आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है रजिस्टर ए, यहाँ पे लगा हुआ रजिस्टर बी, इसको इनपुट आ रही है कीपैड से, तो ये इनपुट इधर भी जा रही होगी, ये इनपुट इधर भी जा रही है। जब आपके यहां पे अगर क्लॉक रजिस्टर है तो इसकी एक आउटपुट वन होगी जो क्लॉक रजिस्टर ए को क्लॉक करे, तो ये वाला नंबर पहला नंबर इसमें स्टोर हो जाए, अब दोबारा वो इसको कभी क्लॉक नहीं करेगी। यहाँ पे इसकी आउटपुट होगी स्टेट मशीन की जो आउटपुट होगी वो नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो 002 होगी, उसमें वो यहाँ पे कब आएगा जब यूजर ने रजिस्टर बी प्रेस की है, तो यहाँ पे आपने इसको क्लॉक कर दिया, वैल्यू रजिस्टर बी में स्टोर होगी, तो दो वैल्यूज अब आपके आ गई। अब तीसरा उसने ऑपरेशन स्टोर करना है, ये होता है ना वो शायद आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हो, ऑपरेशन वैल्यूएशन में एक होता है कि मिडल में आता है ऑपरेशन है, हाँ इनफिक्स, और एक आता है पोस्ट फिक्स के, पहले आप डिजिट नंबर बताते हैं फिर बताते हैं कि क्या ऑपरेशन करना है, तो ये पोस्ट फिक्स काइंड ऑफ ऑपरेशन होगा। अब यहाँ पे आके देखो टू में आपने देखना है कि यूजर ने प्रेस क्या किया है, वो आपको इक्वल से प्रेस देखना पड़ेगा कि उसने प्लस प्रेस किया या माइनस प्लस किया है। अगर उसने प्लस प्रेस किया है और प्लस वाली इनपुट वन होती है तो आप उस इसकी नेक्स्ट स्टेट रखेंगे, अब प्लस प्रेस किया है तो नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी 0003। आपने सिर्फ ऐड ही करना है, तो उसमें ये ना कि आप बेहतर होगा कि आप पहले ये दोनों ले लें, इनफिक्स करना है तो भी हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है, वो फिर यहाँ पर ये वाला स्टेप एंड में डाल देते हैं कि दूसरा बटन उसने दूसरा नंबर जो लेना है उसने वो एंड में ले, तो वो भी कर सकते हैं आपके ये वाला। यहाँ पे उसने 003 देना, अगर किसी ने प्लस दबाया तो ये 03 स्टेट पे जाएगा, अगर किसी ने माइनस दबाया तो ये 04 स्टेट पे जाएगा, फोर्थ स्टेट, ये वन है ना, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर्थ स्टेट में चला जाएगा अगर किसी ने माइनस दबाया, और क्या दबाना है, मल्टीप्लाई भी करेंगे आप, वो कैसे करेंगे, हो गए मल्टीप्लाई, और स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रोम से ही करेंगे सब कुछ है ना, अच्छा स्क्वेयर रूट, तो ये सारों के बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेट आपकी यही होगी, सारे यहाँ पे आके दोबारा अगली स्टेट में ये यहाँ पे आ जाएंगे, डिस्प्ले स्टेट पे आ जाएंगे, जहाँ डिस्प्ले शायद अपडेट हो जाए उसके बाद दोबारा यहाँ पे आ जाएगा रिसर्च स्टेट। तो बेसिकली ये ब्रांचिंग हो रही है स्टेट मशीन की, तो जिस यहाँ पे आके ये ब्रांच करेगा डिपेंडिंग ऑन के अगला एड्रेस ये आ जाएगा उसका, और वही आप उसमें स्टोर करेंगे। अगर माइनस से बात है 02 के बाद माइनस से बात है तो रोम के अंदर से ये वाला एड्रेस आएगा,
ये दे दें दोबारा, तो मल्टीप्लाई में भी स्क्वेयर ही होता है, तो ए और ए को दे दें, स्क्वेयर की रहने दें। हाँ स्क्वेयर हो जाएगा, तो स्क्वेयर के ऑप्शन खत्म ही कर दें फिर। चलें ठीक है, स्क्वेयर कर लें, यहाँ पर वैसे वन टाइप कर दें, ए के बाद सिर्फ एक वन टाइप करें या जो भी है उसको इग्नोर कर दे, डोंट केयर कर दे वो। और हाँ तो लॉजिक फंक्शन कर सकते हैं और एंड, कुछ कर लें सही है, लाइट लग जाए, छोटा सा पंखा लग सकता है। तो बेसिकली इसमें ये कि रॉम ही अपने आप को बताती है कि मैं अब किधर जाना है, जो हर हर स्टेप के ऊपर अगले स्टेप की इंफॉर्मेशन रॉम के अंदर ही स्टोर होती है कि अगला अगला अगली स्टेट कौन सी होगी, बजाय इसके कि यहाँ पे आप स्टेट बनाए, स्टेट डायग्राम बनाए, सारे स्टेट डायग्राम रॉम के अंदर ही इंप्लीमेंट हो जाती, तो आउटपुट भी उसकी आती जाती है रॉम की, और अपने अपने लिए भी वो बताती है कि अब मैंने किधर, रॉम अपने आप को खुद ही गाइड करती है कि अब मैंने किधर जाना। वही चीज होगी, इधर आपके ये 4 बिट जो होंगी ना, ये वाली ये कंट्रोल बिट्स होंगी, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे फर्ज करें 00 एड्रेस पे होगा 0001, तो ये जो भी ये नंबर बनता है पहली मेमोरी लोकेशन में आपका, फर्ज करें ये बनता है ए, तो आप A1 स्टोर कर देंगे, ये वन जो है वो 001 है वो वापस आएगा यहाँ पे, तो हाफ द बाइट जो आपने हर लोकेशन पे स्टोर की हुई है ना, आधी बाइट वो आपकी वो अपने आप को बता रही है कि अब मैंने किधर जाना। अगर आपको ज्यादा चाहिए कंट्रोल तो आप 2 RAM लगा लें ऊपर नीचे, फिर आपके पास 16 हो जाएंगे, उसमें 4 जो है वो अपने आप को बताने के लिए रख लें, बाकी 12 से आप तरह तरह के कंट्रोल जनरेट कर सकते हैं। समझ आ रही है? हाँ यही काम है असल में, इसमें इंप्लीमेंट करना है थोड़ा औखा है, लेकिन वो जब आप सिमुलेट कर लेंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे होगा ये, ठीक है ना। चलो इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।